स्टडी पॉइंट एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर पहला है संविधान। संविधान चैप्टर पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, उस वीडियो में कुछ कमी थी। कमियां क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले कमी ये थी कि वीडियो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था, इससे प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी चीज उसमें ना वॉइस की क्वालिटी थी। मैंने पढ़ा था कि उस वीडियो को देखा तो उसमें वॉइस क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किरकिर किरकिर की आवाज़ थी, कहीं पे आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मोबाइल से बनाई हुई वीडियो थी तो उसकी क्वालिटी जो क्लियरिटी है उसमें भी दिक्कत थी, छोटी छोटी मिस्टेक थी। तो उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा से सुधार रहा हूँ यहाँ पे, फिर से आपको वही टॉपिक करा रहा हूँ क्योंकि मैं उस पुरानी वीडियो को डिलीट करने वाला हूँ। उसको डिलीट करके ये एक वीडियो कर दूंगा, इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आना। हालांकि वीडियो वो भी बहुत अच्छी थी, अच्छे से समझाया था पर थोड़ी सी क्लियरिटी वगैरह की दिक्कत थी, इसलिए मैंने दोबारा से बनाया ये, ठीक है। वो मोबाइल की वीडियो थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा कि अगर देखो हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मान लो कि हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहाँ पे कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जैसे कि स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में भाई एक ड्रेस होती है बच्चों की, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वगैरह होती है उसको पहनते बच्चे, टाइमिंग होती है कि भाई इतने बजे स्कूल खुलेगा इतने बजे स्कूल बंद हो जाएगा। उसमें फिर ये होता है पीरियड डिसाइड होते हैं कि ये इस टाइम पे ये पीरियड लगेगा, इस टाइम पे ये पीरियड, टाइम टेबल डिसाइड होता है वहाँ पे। ये डिसाइड होता है कि कौन प्रिंसिपल है, कौन टीचर है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है बिल्कुल। ये पता है कि भाई इस टीचर का ये सब्जेक्ट है, इस टीचर का वो सब्जेक्ट है, सब कुछ मतलब क्या होता है एक तौर तरीके से होता है, इसीलिए स्कूल अच्छे से चल पाता है। अब मान लो कि स्कूल में कोई यूनिफॉर्म ही ना हो तो कौन बाहर का आके घुस जाए, कौन अंदर का बाहर चला जाए, कोई किस कपड़े में घूम रहा है, कोई कैसे कपड़ों में घूम रहा है, तो क्या होगा, व्यवस्था फैल जाएगी। मान लो कि टीचर के सब्जेक्ट ही निर्धारित ना हो, पता लगे कभी कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ा गया, कभी कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ा गया। मान लो कि पीरियड ही डिसाइड ना हो तो बच्चे को ये नहीं पता लगेगा कब कौन सा पीरियड लगेगा, कब कौन सी क्लास होगी, तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। अब आते हैं हम सड़कों पे। मान लो हम सड़कों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेड लाइट होती है। रेड लाइट क्या होता है, जब रेड लाइट होती है तो हमको रुक जाना है, जब ग्रीन लाइट होना है तो हमको चलना है, यानी कि ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्था बनती है। अब मान लो कि रोड पे रेड लाइट ही नहीं है तो क्या होगा, लोग इधर से उधर गाड़ियां ले जाएंगे, कोई इधर गाड़ी फंसा देगा, कोई इधर जाम लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इससे सड़कों पर क्या हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। फिर हम आते हैं मान लो हम मंदिर वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ कायदे कानून मिलते हैं। गुरुद्वारे में हमें अपना सिर ढकना होता है कुछ, और मंदिर वगैरह में जूते वगैरह उतार के जाते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में जूते उतारने होते हैं हमें, ठीक है। और हमें वहाँ पे तौर तरीके से पेश आना है, कई जगह तो वो मोबाइल वगैरह से फोटो वगैरह खींचना अलाउड नहीं होता है, कुछ चीज़ों को छूना अलाउड नहीं होता है। तो ये सब क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं नियम कायदे कानून, ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन्हीं नियम कायदे कानूनों से व्यवस्था बनती है। तो जब एक स्कूल चलाने के लिए नियम कायदे कानून चाहिए, सड़क पे हमें चलने के लिए नियम कायदे कानून चाहिए, अगर हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो नियम कायदे कानून चाहिए, हमें हर जगह नियम कायदे कानून चाहिए चाहिए। तो एक देश को चलाने के लिए, देश तो बहुत बड़ा है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों की जनसंख्या रहती है, उस देश को चलाने के लिए भी तो कुछ नियम कायदे कानून चाहिए। अगर वो नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी देश में। इसीलिए उस देश में नियम कायदे कानून को लिखित रूप में, यानी लिखित रूप में जो बनाया जाता है तो उसी को हम संविधान कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है, इससे नियम कायदे कानून सरकार की शक्तियां अधिकार आदि के बारे में विस्तार से पता लगता है, हमें सब कुछ लिखा होता है कि किसके क्या अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को में बना था और इसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। फिर क्वेश्चन बनता है कि कितना टाइम लगा, तो हमारे संविधान को बनने में लगा था 2 साल, ये देखो यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, इतना टाइम लगा था। और अब आते हम नीचे, ये देखो यहाँ पे ना पिछले उसमें थोड़ी सी कमी थी इस आंसर में जो मैंने लिखा था, वो थोड़ा सा उसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। अनुच्छेद, अनुभाग और भाग और अनुसूचियां, यानी कि अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, भाग को बोलते हैं पार्ट, अनुसूची को बोलते हैं शेड्यूल। कितने आर्टिकल, कितने पार्ट और कितने शेड्यूल हैं। तो जब हमारा देश का संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम की बात करें, तो देखो
आर्टिकल थे 395, 395 भाग थे 22, 22 भागों में बटा हुआ था, और शेड्यूल जो है अनुसूचिया वो थी 8, प्रस्तावना जो थी वो एक ही है तब भी और अब भी एक ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बाकी चीजें जो है बदल गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू 2016 के अनुसार लिखा है ये डिटेल मैंने, ठीक है। 2016 तक क्या हो गया था, ये 395 से बढ़ के हो गए 465, ये 22 से बढ़कर हो गए 25, और ये 8 से बढ़कर हो गए 12, और लेकिन ये जो प्रस्तावना एक थी ये आज भी एक ही है। तो ये बदलाव आया है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसी कारण से मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ा है। यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बाकी आगे का हर एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया थी, एकदम सही थी। इस वीडियो में आपको वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो वो वॉइस क्वालिटी वाली जो प्रॉब्लम बताई थी किसी बच्चे ने, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो संविधान की प्रस्तावना से हमें हमारे संविधान की विशेषता का पता लगता है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि भाई हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो उस पूरे संविधान को अगर हम पढ़ के उसकी विशेषता जानेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा और तब जाके हमें पता लगेगा। लेकिन अगर हम ये बोलें कि इसको कम से कम शब्दों में कैसा पता करें, तो हमें प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा। हम अपने संविधान की प्रस्तावना को एक पेज में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आगे लिखा रहता है संविधान के उद्देश्य का, इस तरीके से उसमें लिखा रहता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, ऐसे इस तरीके से। तो ये प्रस्तावना है। तो संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान की विशेषता पता लगती है। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र है, और क्या है, भारत में समाजवाद है, भारत में क्या है, समता है, समानता है, भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सारी चीज़ें हैं भारत में। यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, संविधान की कुंजी। अब क्वेश्चन बढ़ता है, बनता है हमारा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि भाई सड़कों पे हमें रेड लाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। कोई ये बोलते कि भाई स्कूल में हमें टीचर और अनुशासन की जरूरत क्यों पड़ती है, मंदिरों में हमें रूल रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। तो देखो, अगर संविधान नहीं होगा तो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रॉब्लम आएंगी सामने, ठीक है। तो हमें देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान चाहिए। अगर हम संविधान ही नहीं होगा तो तालमेल नहीं बना रहेगा, तो तालमेल बनाने के लिए संविधान चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान होना चाहिए, देश के विकास में इसका योगदान होगा, ठीक है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान चाहिए। सरकार समूह संगठन के बीच में तालमेल बनाने के लिए संविधान की जरूरत है। संविधान देश में व्यवस्था लाएगा, देश में व्यवस्था बनाने के लिए संविधान की जरूरत है, ठीक है। देश में शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। संविधान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये है इसका आंसर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, संविधान किसने बनाया। कोई ये बोले संविधान किसने बनाया, तो कुछ बच्चे बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले संविधान बना दिया, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल गलत। संविधान बनाया हमारी संविधान सभा ने, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। संविधान सभा का स्वरूप बताना है, तो टोटल सदस्य थे 389, हमारी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, और 296 थे निर्वाचित। 296 भी कैसे थे ये देखो, 292 तो थे निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों से, 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनको थोड़ा थोड़ा समझ लो, 389, 292, बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। 93 जो थे, 93 जो थे वो थे देसी रियासतों से, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था 1946 में। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, इसका बहिष्कार किसने किया, ये है मेरा क्वेश्चन। तो देखो, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बना दिए गए थे अध्यक्ष। दूसरी थी 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला है कि इसका बहिष्कार किसने करा था, तो इसका आंसर है कि इसका बहिष्कार जो था वो करा था इसने, मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा को छोड़ दिया, तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, हाँ मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, वो छोड़ के चले गए, तो सदस्य बचे 299।
कितने सदस्य बचे 299। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था उस दिन 284 थे, यानी 15 सदस्य उस दिन अब्सेंट थे, उपस्थित नहीं थे वहाँ पे। अब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान की विशेषता बताओ। हालांकि ज़्यादा ज़्यादा 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 5-6 पॉइंट याद रखने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आपको सारे याद रखने हैं। देखो, सबसे पहली विशेषता तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। दूसरा ये है कि दुनिया का सबसे सफल संविधानों में अगर गिनती होती है तो भारत का संविधान आता है। तीसरी विशेषता है, ना तो ज़्यादा कठोर है हमारे संविधान, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है, स्ट्रिक्ट है, और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है काफ़ी कठोर है, ठीक है, इस तरीके से हमारा संविधान इतना कठोर नहीं है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यानी हमारे यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे 21 साल का जो व्यक्ति होता था उसको ही वोट देने का अधिकार होता था, पर अब जो है ये उम्र जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है, यानी 18 साल का हर वह पुरुष या मेल या फीमेल वोट देने का अधिकार है जिसको, ठीक है, जो भारत का नागरिक है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये तो बता दिया मैंने, सभी को वोट देने का अधिकार है। अलग अलग देशों में से प्रावधान लिए गए हमारे संविधान में, अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए, जैसे साउथ अफ्रीका से आप वो ले लिया, क्या कहते हैं उसे, वोटिंग, सॉरी याद नहीं आ रहा, संशोधन। जर्मनी से आपातकाल, अमेरिका से मौलिक अधिकार, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, तो ये सारी चीजें अलग अलग देशों से लिया गया है। इसके बाद है संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, यानी एक चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार दिए हुए हमारे देश में। एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश में कहीं पे भी जाओ आपको एक जैसी नागरिकता मिलेगी, सभी भारतीय मिलेंगे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में, सभी धर्मों को समान माना गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को उदार कहना क्यों कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ और वहाँ से आप देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जो कमियाँ थी उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और कमी बिल्कुल नाम मात्र की थी, जो जिस वीडियो में कमी थी मैं खाली वही डिलीट करूँगा, बाकी सारी की सारी वीडियो ऐसे कैसे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे संविधान को उदार का थैला क्यों कहा जाता है। हमारे संविधान को उदार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें विभिन्न देशों से, अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो क्या, जैसे कि देखो, क्या भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसे जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब से लागू हुआ है तब से सफलतापूर्वक चलता रहा है, यानी कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे संविधान नहीं चल पाए। फ्रांस में 2 से 3 बार संविधान बदले जा चुके हैं, नेपाल में 3-3, 4-4, 5-5 बार संविधान बदले जा चुके हैं, और भी कई देश हैं जहाँ पे संविधान नए तरीके से बनाए गए या वहाँ पे पूरे खत्म करके नए तरीके से बनाए गए, लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो जब से बनाया गया तब से लेके आज तक इसमें बदलाव जरूर हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये कभी भी टूटा नहीं। हमारा संविधान बिल्कुल सफल संविधान है। उदार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई हमारे देश में अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए। जैसे कि देखो, किस देश से क्या लिया गया, हमें थोड़ा सा ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकार, सोवियत संघ से लिए हमने मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से लिए संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से लिए नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से लिए सर्वाधिक वोट पाने वाला जीतता है संसदीय प्रणाली, ये सब हमने यहाँ से ब्रिटेन से लिए, फ्रांस से लिए स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, कनाडा से लिए केंद्रीय सरकार मजबूत केंद्रीय सरकार, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, जर्मनी से लिया हमें आपातकाल। ये सारी चीज़ें जो हमने अपने संविधान में देख दी, ये सब हमने लिए अलग अलग देशों से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पहले चैप्टर का वीडियो खत्म हो गया है। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो पहले वाले वीडियो में कमी थी उसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा